प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी को हुआ। उनके मौत से पहले जिस होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में वो थी, वहाँ उनके साथ उनके पति बॉनी कपूर भी थे। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन अफसरों ने बॉनी से श्रीदेवी के उन आखिरी पलों को लेकर कड़ी पूछताछ की, लेकिन इन सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ था जब श्रीदेवी के मौत के बाद बॉनी कमरे में थे। श्रीदेवी की फिल्म मॉम में उनके को स्टार बने अदनान सिद्दीकी उन तमाम लोगों में से वो पहली शख्सियत थे जो बॉनी कपूर को होटल में श्रीदेवी के मौत के बाद मिलने पहुंचे। मशहूर टैबलॉइड मिडडे को अदनान ने कहा कि श्रीदेवी के मौत के बाद होटल स्टाफ ने उन्हें रूम में जाने से रोका क्योंकि बॉनी कपूर के साथ दुबई ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ जर्नलिस्ट एट अराउंड 11 PM आस्किंग इफ द न्यूज़ अबाउट श्रीदेवी'स डेथ वाज ट्रू। आई इमीडिएटली कॉल्ड अप बॉनी साहब एंड रश्ड टू हिम। आई गॉट टू जुमेरा एमिरेट्स एट अराउंड मिडनाइट। इनिशियली आई वाज नॉट अलाउड टू गो अपस्टेयर्स। एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ओनली बॉनी साहब एंड दुबई ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट, सो आई वेटेड इन द लॉबी फॉर अबाउट एन आवर। इन्वेस्टिगेशन के बाद बॉनी ने अदनान को कमरे में बुलाया और फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। When everything was settled, Boni Saab called me upstairs. He was there along with a family friend, his wife and a daughter. Boni Saab was crying like a baby. He was inconsolable. I was with him until 5 AM. He was under a lot of stress, so I advised him to rest and then left. तो कुछ ऐसा पल रहा immediately after श्रीदेवी's death. श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को finally दुबई officials ने बॉनी कपूर को handover कर दिया है और मुंबई में तकरीबन रात 10:30 बजे तक आने की संभावना है।